हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट टुडेज योर टॉपिक इज़ फ्रैक्शंस। इस चैप्टर में अब तक आप पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक मिक्स्ड फ्रैक्शन, और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक मिक्स्ड फ्रैक्शंस पढ़ाएंगे। तो आप तैयार हैं? ओके, आर यू रेडी? तो स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन 3/4 - 4/18। सबसे पहले अब आपको सेकेंड स्टेप में एलसीएम लेना है। क्या करना है? एलसीएम, टेक एलसीएम ऑफ 12 and 18। ओके, एलसीएम मैंने इस चैप्टर में आपको इससे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना सिखाया था। जिस भी अकॉर्डिंग आपको इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप एलसीएम फाइंड कीजिए। तो इसका एलसीएम क्या आता है बच्चों? यस, 36। ओके, एलसीएम क्या है? एलसीएम ऐसा होता है जो दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पे 12 and 18 टू डिनोमिनेटर्स हैं, इन्हीं के एलसीएम आप 12 से डिवाइड करते हैं 36 को, तो 12 3 36 एंड 18 2 36। ओके बच्चों, तो आप सेकेंड स्टेप एलसीएम ले चुके हैं। अब थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर से एलसीएम को क्या करना है? डिवाइड। ओके, ठीक है। तो लेते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन लेंगे 3/12। तो 12 से आप डिवाइड कीजिए 36 को। यस, 12 कितना है? 3। ओके, अब आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है 3 जो न्यूमरेटर है उसमें। ओके, तो अब 3 × 3। इसी प्रकार माइनस, अब आप लेंगे सेकेंड फ्रैक्शन 4/18। ओके बच्चों, जिस तरीके से आपने फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व किया था इसी प्रकार से आप सेकेंड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले 18 से डिवाइड कीजिए 36 को। वेरी गुड, 18 2 आ गया। अब 2 का मल्टीप्लाई आपको करना है 4 में। ओके बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपकी? मल्टीप्लाई करिए 3 × 3, यानी 3 3 9। माइनस का साइन लगाएंगे, देन 2 4 8। तो बच्चों जब माइनस का साइन है इट मींस हमको सेपरेट करना है। 9 - 8 = 1, 1/36। ये तो आपका था अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, इसी प्रकार से यदि आपको फाइंड करना हो अनलाइक मिक्स फ्रैक्शंस तो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्वेश्चन। ओके, जैसे आपने क्वेश्चन लिख लिया, अब आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। वेरी सिंपल, क्या करना है? जैसे यहाँ पे लिखा है 3/4 होल नंबर 4 लिखा है, तो क्या करना है? 4 × 4, 4 4 = 16, 16 + 3 = 19, तो 19/4। अब हम सेकेंड फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 12 2 = 24, एंड 24 में आप प्लस कीजिए 5। क्या प्लस करेंगे? 5, जो कि न्यूमरेटर है। ओके, अब इसको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 29। ओके, तो फ्रैक्शन क्या हो गया? 29/12। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों? 19/4, एंड सेकेंड फ्रैक्शन क्या हो गया? 29/12। तो बच्चों देखिए, मैंने इस प्रकार से पहले कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को। अब बिल्कुल जो फर्स्ट मेथड जो हमने बताया था कि अनलाइक फ्रैक्शंस को जिस तरह सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम आपने लिया 4, किसका लेंगे? 4 and 12 का। तो 4 and 12 का जब एलसीएम लेते हैं तो बच्चों 12 एलसीएम हो जाता है। ओके, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? सॉल्व फर्स्ट फ्रैक्शन 19/4। तो इसमें क्या करना है? 4 से पहले हमें 12 को डिवाइड करना है 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे बच्चों? 19 में। ओके,
तो 3 × 19, आप माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए, फिर आप सेकेंड फ्रैक्शन सॉल्व कीजिए। आप इसमें 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1, एंड 1 का मल्टीप्लाई 29 में करिए बच्चों, तो 29। ओके, आप 19 × 3 = 57, माइनस का साइन, फिर 29 × 1 = 29। इसी प्रकार से 57 से आप 29 को माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया बच्चों, 28/12। क्योंकि अब आपके क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसलिए आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आना चाहिए। आप अगर डिवाइड कर सकते हैं तो कोई भी एक टेबल लीजिए जिसमें 28 एंड 12 दोनों आते हैं। यस, कौन सा है वो, 4। क्या है वो टेबल, 4। 4 × 7 = 28 एंड 4 × 3 = 12। ओके, तो अब आप इसको चाहे इस तरीके से करें या मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे किया, 12 से डिवाइड कर दिया 28 को, तो क्या आ जाएगा, 12 × 2 = 28, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, एंड रिमाइंडर कितना बचे बच्चों, 4। तो देखिए जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर जा कर के न्यूमरेटर बन जाता है, एंड क्वेटेंट होल नंबर, और डिवाइजर तो डिवाइजर ही रहता है। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 4/12 होल नंबर 2। देखिए यहाँ 4/12, 4 से हम 12 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, यस, कितना हो जाएगा, 1/3 होल नंबर 2। आप देखिए इसको फाइंड कीजिए तो कितना आता है, 2 × 3 = 6, 6 × 7, हमने यहाँ पढ़ाया था 7/3 पढ़ाया था ना, 4 × 7 = ओके, एंड 4 × 3 = 7/3 आ रहा था। अच्छा, इसी प्रकार से बच्चों आपको दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो भी है क्वेश्चंस आप देखिए समझिए, और समझ करके जितने भी क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया है, यदि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप फिर से देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।